नमस्कार दोस्तों, कोरोना काल में दिल को सुकून देने वाली खबरों के साथ हम फिर हाजिर हैं। दोस्तों, देश में कोरोना संक्रमण के नए मामलों ने फिर रिकॉर्ड बनाया है। इस बार 24 घंटे में 80,000 से ज्यादा मरीज मिले हैं। लेकिन इस बीच अच्छी खबर ये है कि ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन का मैसूर के अस्पताल में भी ट्रायल शुरू हो चुका है। वहीं वैक्सीन को लेकर भारत की सीरम कंपनी ने बांग्लादेश की फार्मा कंपनी से करार किया है। इसके साथ ही अमेरिका भी अपनी वैक्सीन के ट्रायल खत्म किए बगैर वैक्सीन को मंजूरी देने की तैयारी में है। यही अमेरिका ट्रायल पूरा ना करने पर अब तक रूस की वैक्सीन को लेकर सवाल उठाता रहा है। दोस्तों, इन खबरों के साथ ही हम आप लोगों को कोरोना को लेकर हो रहे कुछ ऐसे शोध के बारे में भी बताएंगे जो आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। मैसूर के अस्पताल में कोविशील्ड का ट्रायल शुरू। दोस्तों, वैक्सीन बनाने की रेस में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी सबसे आगे चल रही है। इसकी वैक्सीन का भारत में भी ट्रायल शुरू हो गया है। पुणे के बाद कर्नाटक के मैसूर के जेएसएस अस्पताल में कोविशील्ड का ट्रायल शुरू किया गया है। अस्पताल के एक अधिकारी के अनुसार शनिवार से अस्पताल में कोविशील्ड के परीक्षण की शुरुआत की गई है। ये कर्नाटक का एकमात्र ऐसा संस्थान है जिसे ट्रायल के लिए ICMR ने चुना है। अस्पताल में कोरोना वायरस के एक मरीज पर वैक्सीन के प्रभाव की जाँच की जाएगी। देश के अन्य 16 संस्थानों में इसी तरह के परीक्षण चल रहे हैं। इससे पहले पुणे के अस्पताल में कोविशील्ड की डोज 5 लोगों को दी गई थी। जिन लोगों को ये वैक्सीन अब तक दी जा चुकी है उनमें कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिले हैं। वैक्सीन के लिए सीरम और बांग्लादेश में समझौता। दोस्तों, भारत के साथ ही बांग्लादेश भी कोरोना से कराह रहा है। ऐसे में बांग्लादेश ने वैक्सीन के लिए भारत के साथ समझौता किया है। वैक्सीन हासिल करने के लिए बांग्लादेश की फार्मा कंपनी वैक्सीमो ने भारत के सीरम इंस्टीट्यूट के साथ निवेश करने का ऐलान किया है। समझौते के बाद सीरम की वैक्सीन का इसी महीने परीक्षण करने के लिए ढाका ने रजामंदी जाहिर की है। इससे पहले बांग्लादेश चीन की सिनोवेक बायोटेक वैक्सीन के अंतिम चरण की मानव परीक्षण की मंजूरी दे चुका है। बांग्लादेश की फार्मा कंपनी सरकार के साथ वैक्सीन की संख्या के बारे में जरूरत पर चर्चा करेगी। इसके अलावा बांग्लादेश में निजी संस्थानों को वितरण करने के लिए वैक्सीमो अतिरिक्त डोज भी हासिल करेगी। रूस की तर्ज पर अमेरिका भी लॉन्च करेगा वैक्सीन। दोस्तों, कोरोना के बढ़ते मामले और वैक्सीन बनाने की रेस जीतने के लिए ताकतवर देश सारी हदें पार करने में लगे हैं। रूस ने ट्रायल खत्म किए बिना वैक्सीन को लॉन्च कर दिया था। अब इसी रास्ते पर चलने की तैयारी अमेरिका भी कर रहा है। अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के प्रमुख की माने तो क्लिनिकल ट्रायल पूरा होने से पहले भी वो वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल दे सकते हैं। वहीं अमेरिका के स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने क्लिनिकल ट्रायल पूरा होने से पहले वैक्सीन लॉन्च करने की योजना पर चिंता जाहिर की है। दरअसल अभी तक अमेरिका रूस की वैक्सीन पर सवाल उठा रहा था, लेकिन अब खुद भी बिना ट्रायल पूरा किए ऐसा करने की सोच रहा है। हालांकि इस पर अंतिम फैसला होना अभी बाकी है। भारत ने वैक्सीन को लेकर बनाया ग्लोबल प्लान। दोस्तों, देश में तेजी से बढ़ते कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच भारत में जल्द कोरोना वैक्सीन के आने की खबर है। कोरोना वैक्सीन के बाजार में आने के बाद लोगों तक इसकी पहुंच बनाने के लिए केंद्र सरकार 5 अलग अलग तरीकों पर काम कर रही है। इसमें निःशुल्क टीकों से लेकर आपूर्ति तक शामिल है। कोरोना वैक्सीन को लेकर अब खबर मिली है कि केंद्र सरकार अपने साथ ही पड़ोसी देशों को भी वैक्सीन की आपूर्ति करने का ग्लोबल प्लान तैयार कर रही है। इसमें पश्चिम एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देश भी शामिल हैं। हालांकि इसमें पाकिस्तान को शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि पाकिस्तान चीन में बन रही कोरोना वैक्सीन पर निर्भर है। कोरोना वैक्सीन पर विशेषज्ञों के समूह के बीच बातचीत चल रही है। एक बार वैक्सीन को अप्रूवल मिल जाए, इसके बाद वैक्सीन की आपूर्ति को लेकर सरकार एग्रीमेंट साइन करेगी। बच्चे होते हैं कोरोना के सबसे खतरनाक वाहक। दोस्तों, कोरोना महामारी के चलते पूरी दुनिया बेहाल है। अमेरिका, ब्राजील के बाद भारत में कोरोना से सबसे ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। इस बीच दक्षिण कोरिया से आई एक रिपोर्ट ने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक जिन बच्चों में कोरोना संक्रमण के लक्षण नहीं दिखते वो कोरोना के सबसे खतरनाक वाहक हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे बच्चों के शरीर में कोरोना का वायरस लंबे समय तक सक्रिय रहता है और बिना किसी लक्षण जाहिर किए दूसरों में फैलता रहता है। जामा पेडियाट्रिक्स नाम के शोध जर्नल में प्रकाशित इस रिपोर्ट ने दुनिया भर के विशेषज्ञों को चिंता में डाल दिया है। अमेरिका के चिल्ड्रन नेशनल हॉस्पिटल की शोधकर्ता रॉबर्टा एल डेबी आसी ने बताया कि शोध के दौरान दक्षिण कोरिया के 22 अस्पतालों में 91 बच्चों पर नजर रखी गई थी। दिवाली तक कोरोना पर हो जाएगा कंट्रोल। दोस्तों, देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। भारत ने 24 घंटों के अंदर सबसे ज्यादा नए मामले दर्ज करने को लेकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक खुश करने वाला दावा किया है।
उनका कहना है कि दिवाली तक हम कोरोना संक्रमण के प्रसार को काफी हद तक नियंत्रित कर लेंगे। कोरोना को लेकर डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कुछ समय बाद कोरोना वायरस भी अतीत में आए अन्य वायरस की तरह सिर्फ स्थानीय समस्या बनकर रह जाएगा, लेकिन इस वायरस ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। अब हम सभी लोगों को अपनी जीवन शैली को लेकर ज्यादा सावधान और सजग रहने की जरूरत है। दरअसल कोरोना के बढ़ते मामले सरकार के लिए चिंता का सबब बने हुए हैं। ऐसे में हर किसी को बस वैक्सीन का इंतजार है। कोरोना में कारगर है खून पतला करने वाली दवा। दोस्तों, जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक वैज्ञानिक उन दवाओं की खोज में लगे हैं जिससे कोरोना से मरीजों की जान बचाई जा सके। इसी कड़ी में पुणे में कुछ डॉक्टर्स ने कोरोना के संक्रमण काल के बीच खून पतला करने की एक दवा को इस महामारी के इलाज में प्रभावी बताया है। पुणे के डॉक्टर्स ने कुछ ट्रायल्स और मरीजों पर दिखे असर के आधार पर यह दावा किया है कि लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन नाम की इस वैक्सीन के जरिए कोरोना मरीजों की हॉस्पिटलाइजेशन पीरियड को कम करने और उनके प्रभावी इलाज में मदद मिली है। इसके अलावा इससे कई मरीज रिकवर भी हुए हैं। डॉक्टर्स ने दावा करते हुए कहा कि कोरोना वायरस के कारण मरीज के शरीर में काउंटर ब्लड इन्फ्लेमेशन और ब्लड क्लॉटिंग की समस्या होने लगती है। इसको रोकने में ये दवा काफी प्रभावी दिख रही है। अमेरिका ब्राजील में घटने लगा कोरोना का संक्रमण। दोस्तों, कोरोना के मामले में टॉप पर मौजूद अमेरिका और ब्राजील को अब राहत मिलती दिख रही है। आंकड़ों पर गौर करें तो इन दोनों देशों में अब कोरोना से राहत मिलती दिख रही है। पिछले 24 घंटे में यहां मामलों की संख्या और मौत का आंकड़ा घटा है। अमेरिका में 33,981 और ब्राजील में 15,346 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि अमेरिका में 369 और ब्राजील में 398 मौतें हुई हैं। अमेरिका में 54 दिन बाद और ब्राजील में 115 दिन बाद 400 से कम मौतें हुई हैं। वहीं पिछले कुछ दिनों से भारत में हर दिन रिकॉर्ड स्तर पर नए मामले सामने आ रहे हैं। भारत में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 79,000 नए मामले और 960 लोगों की मौत हुई है। कई देशों के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि यह वायरस तेजी से कमजोर हो रहा है। महामारी की शुरुआत में इसका संक्रमण जितना घातक था अब वो वैसा नहीं है।